छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने जो है कवक में आलैंगिक जनन के बारे में चर्चा किया था। अब हम चल रहे हैं कवक में लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, कवक में लैंगिक जनन जो होता है बहुत कम विकसित होता है। कवक में लैंगिक जनन बहुत कम विकसित होता है। इसमें जनन जो होता है दो जनन कोशिकाओं या युग्मकों के द्वारा होता है, परंतु युग्मकों के संयोजन के बाद या कोशिकाओं के संयोजन के बाद बने जायगोट से या युग्मनज से जो है भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। फिर समझिए, कवक में लैंगिक जनन बहुत कम विकसित होता है। इसमें कवक में यह जनन जो होता है दो जनन इकाइयों या कोशिकाओं या युग्मकों के द्वारा होता है, लेकिन जनन इकाइयों या युग्मकों के संयोजन के परस्वरूप बने युग्मन या जायगोट से जो होता है भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। कवक में लैंगिक जनन में तीन अवस्थाएं होती हैं। जितनी अवस्थाएं होती हैं तीन आई, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है कवक के लैंगिक जनन में? कवक में लैंगिक जनन में तीन अवस्थाएं होती हैं। प्रथम को कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य संलयन या संयोजन, कोशिका द्रव्य इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? साइटोकाइन। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इसमें जनन के समय दो कोशिकाओं सेल्स कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म का संयोजन होता है, यानी मिलन होता है। क्या होता है? संयोजन होता है जिसमें दोनों कोशिकाओं या सेल्स के केंद्रक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो इसमें जो है कोशिका साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य संलयन में क्या होता है? इसमें जो है दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का जन्म के समय आपस में संयोजन होता है जिसमें दोनों कोशिकाओं के केंद्रक जो है आपस में जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इसको आप साइटोकाइनेसिस या इसको प्लाज्मोकाइनेसिस लिख सकते हैं। ये मिस्टेक हो गया था। तो फिर से समझिए कि इसमें जन्म के समय दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य का आपस में संयोजन होता है जिसमें दोनों कोशिकाओं के केंद्रक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तीसरी कौन सी प्रावस्था होती है? तीसरे को कहते हैं केंद्रक संलयन या संयोजन इसको कहते हैं कैरियोगेट। क्या कहते हैं?
वैधानिक कार्योगारिणी क्या होता है, इसमें जो है कोशिका द्रव संलयन में, कोशिका द्रव्य संलयन में एक दूसरे के संपर्क में जो केंद्रक आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आए केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, या कह सकते हैं केंद्रक आपस में संयोजन करके द्विगुणित बिगुड़ाए ट्विन युग्मनज जायगोट का निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। तीसरी कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था को कहते हैं अर्धसूत्रण, या अर्धसूत्री विभाजन, मियासिस कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मियासिस कहते हैं, क्या कहते हैं मियासिस, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो केंद्रक संलय में जायगोट बनते हैं, इसमें केंद्रक संलय में बने युग्मनज जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री यानी मियासिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन से बीजाणुओं का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बीजाणुओं बीजाणु बनते हैं, बीजाणुओं का निर्माण होता है जिन्हें मियोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोस्पोर कहते हैं। तो छात्रों इस प्रकार से जो है कवक में जो है लैंगिक जनन में तीन प्रावस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, कोशिका द्रव संलयन प्लाज्मोगैमी। तो प्लाज्मोगैमी क्या होता है, इसमें जनन के समय दो कोशिकाएं कोशिकाओं के कोशिका द्रव का आपस में मिलन या संयोजन होता है, जिसमें दोनों कोशिकाओं के केंद्रक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। दूसरी प्रावस्था है केंद्रक संलयन पैरियोगैमी, इसमें कोशिका द्रव संलयन में एक दूसरे के संपर्क में जो है जो केंद्रक आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आए केंद्रक ये आपस में जाते हैं, अर्थात आपस में संयोजन करके द्विगुणित डिप्लॉयड ट्विन युग्मनज जायगोट का जो होते हैं निर्माण करते हैं। तीसरा अर्धसूत्री अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन, इसमें केंद्रक संलयन में जो जायगोट युग्मनज बनता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जिसके फलस्वरूप बीजाणुओं का निर्माण होता है जिन्हें हम मियोस्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मियोस्पोर्स कहते हैं। अब आइए लैंगिक जनन जो है ये कितने प्रकार से होता है, किन किन विधियों से द्वारा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
आइए ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन ध्यान दे, 1 2 3 4 5, तो इसमें लैंगिक जनन जो होता है ये 5 प्रकार का होता है या 5 विधियों के द्वारा होता है। नंबर 1 है इसमें जो है जल युग्मकी, जल युग्मकी संयोजन या संयुग्मन, जल युग्मकी संयुग्मन प्लेनो गैमेटिक, प्लेनो गैमेटिक कैलकुलेशन, ये प्रथम विधि है। दूसरे काम नीचे आइएगा, गैमिक एंजल, इसमें इसकी हिंदी है युग्मक धानीय, युग्मक धानीय संपर्क गैमिक एंजल कॉन्टैक्ट, गैमिक एंजल कॉन्टैक्ट। और दूसरा जो है युग्मक धानीय, युग्मक धानीय संयुग्मन गैमेट एंजल, गैमेट एंजल कॉपुलेशन। और चौथा जो है अचल कुमार, अचल कुमार इसको कहते हैं स्पर्माटाइजेशन, और पांचवा कहते हैं कायुग्मन। सोमैटोगैमी, कायुग्मन सोमैटोगैमी। इस प्रकार से जो है ये 5 विधियों के द्वारा जो है कवक में लैंगिक जनन होता है। आइए हम प्रथम चलते हैं जो है चल युग्मकी जो है संयुग्मन के बारे में चर्चा करने, जल युग्मकी संयुग्मन के बारे में चर्चा करने। तो ध्यान दीजिएगा, जल युग्मकी संयुग्मन में जो है इसमें चल माने गतिशील, चल युग्मकों के बीच जो होता है संयोजन होता है, ये बीच संयोजन होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। प्रथम को कहते हैं संयुग्मकी, आइसोगैमस, आइसोगैमस। ध्यान दीजिएगा, आइसोगैमस में इसमें जो है इसमें भाग लेने वाले देने वाले युग्मक आकार में समान, आकार में समान परंतु कार में भिन्न होते हैं, कार में भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल में सिंकाइट्रियम, दूसरा जो है आप
आपके फिगर में सब लिखा है, बता रहे हैं उसको भी समझा रहे हैं। दूसरा जो है असंयुग्मकी, असंयुग्मकी एनआईसी हो गए, ध्यान दीजिएगा इसमें भाग लेने वाले युग्मक जो होते हैं आकार और पाद दोनों भाग नहीं होते हैं, इसमें भाग लेने वाले युग्मक युग्मक आकार यौन कार्य दोनों में भिन्न होते हैं। दोनों में भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल में जो है एलोमाइसी, तीसरा ये विषम युग्मकी, विषम युग्मकी ओ गैमस, ध्यान दीजिएगा इसमें जो युग्मक भाग लेते हैं, इसमें भाग लेने वाले युग्मक में नर युग्मक जो होता है, युग्मकों में नर युग्मक बहुत छोटा, बहुत छोटा सक्रिय यौनचर होता है। क्या होता है? चल होता है। जबकि मादा युग्मक जो होता है, मादा युग्मक बड़ा निष्क्रिय, बड़ा निष्क्रिय यौन अचल होता है। क्या होता है? अचल होता है। एग्जाम्पल में मोनोब्लिफेरिस, मोनोब्लिफेरिस इस प्रकार से जो है ये चल युग्मक की संयुग्मन जो है तीन प्रकार का होता है, या लिखा है प्लेनोगैमेटिक कपुलेशन। तो प्रथम है, प्रथम को हम कहते हैं सर्व युग्मक की आइसोगैमस, यहां भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा ये युग्मक समान अर्थात इसमें भाग लेने वाले युग्मक जो होते हैं आकार में समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आइए जो है असंयुग्मकी एनिसोगैमस, ये है इसमें भाग लेने वाले युग्मक जो है आकार और कार्य दोनों भिन्न होते थे, एक बड़ा है एक छोटा था, आकार में भिन्न हो गया, कार्य में एक नर एवं मादा दोनों अलग अलग होते हैं। तीसरा जो है विषम युग्मकी, इसमें भाग लेने वाले युग्मकों में जो होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग देख रहे हैं ये नर युग्मक हमने लिखा है और ये जो है ये मादा युग्मक है, फीमेल है। तो नर युग्मक बहुत छोटे होते हैं, सक्रिय होते हैं, चल होते हैं और मादा युग्मक जो होता है बहुत बड़ा अचल निष्क्रिय यौन जो होता जो है यौन निष्क्रिय होता है। आइए आप चलते हैं दूसरी विधि के बारे में चर्चा करने, जो है दूसरी विधि है युग्मक ध्वनिये, युग्मक ध्वनिये संपर्क, युग्मक ध्वनिये संपर्क गैमीटेंजियल, गैमीटेंजियल
कांटेक्ट गैमेट एंजियल कांटेक्ट। ध्यान देगा इसमें जन्म के समय, इसमें जन्म के समय दो जो है युग्मक धानियां, युग्मक धानियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और उसमें नर मादा दोनों होती हैं, आती हैं जिसमें एक युग्मक धानी एक युग्मक धानी इसको हम नर कहते हैं से युग्मक अर्थात नर युग्मक दूसरी युग्मक धानी दूसरी युग्मक धानी जिसको हम लिख सकते हैं मादा में सीधे चले जाते हैं। एग्जाम्पल में है सिस्टोपस, क्या है सिस्टोपस, तो ध्यान दीजिएगा ये गैमेट एंजियल कांटेक्ट है तो ये नर एंथ्रिडियम युग्मक धानी को यहाँ जो है नर युग्मक धानी एंथ्रिडियम को धानी कहा जाता है और मादा युग्मक धानी को जो है स्त्री धानी आर्किगोनियम कहा जाता है। इसमें जन्म के समय ध्यान दो ये युग्मक ये नर और मादा दोनों युग्मक धानी दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं और इसमें से ये नर युग्मक धानी से नर युग्मक सीधे जो होता है मादा युग्मक धानी आर्किगोनियम में जो है जाता है। दूसरा ये तीसरा युग्मक धानीय संयुग्मन गैमेट एंजियल, गैमेट एंजियल कॉपुलेशन कैपुलेशन ध्यान दीजिएगा इसमें जो है दो युग्मक धानियों के, इसमें दो युग्मक धानियों के संपूर्ण भागों का संपूर्ण भागों का आपस में संयोजन होता है, आपस में संयोजन होता है। एग्जाम्पल में जो है राइजोपस और जो है म्यूकस, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर हमने जो है ये गैमेट एंजियल कॉपुलेशन का चित्र बनाया है यानी जो है युग्मक धानी संयुग्मन का, तो ध्यान दीजिए ये अगर इसको नर मान लेते हैं तो ये मादा हो गया, तो इसमें जो है ये नर युग्मक धानी ये मादा युग्मक धानी है तो इसमें दो युग्मक धानी एक दूसरे संपर्क में आती है लेकिन यहाँ भी ध्यान दीजिए ये संपूर्ण भागों का आपस संयोजन हो जाता है, संयोजन करके होते हैं जायोड का होते निर्माण करते हैं। चौथा जो है अचल उमर, अचल उमर स्पर्माटाइजेशन, स्पर्माटाइजेशन ध्यान दीजिएगा इसमें जो है
एस्कोमाइसिटी एस्कोमाइसिटी न्यू बेसिडियोमाइसिटी के कुछ सदस्यों में जन्म के समय छोटी छोटी जो है छोटी छोटी अनेक बीजाणु के समान रचनाएं बनती हैं। बीजाणु के समान रचनाएं बनती हैं बनती हैं जिन्हें उम्र इस परमाइसिया या नरयुग्म कहते हैं। युग्म कहते हैं जो वायु जल या कीट के द्वारा मादा प्राय सूत्रों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। यह है इस पर माइटाइजेशन। तो ये है छोटे छोटे रचनाएं बनना जिसको हम इस पर कहते हैं। और फिर ये विशेष की भाई की तो ये जो है मादा का एक प्रायश्चित है, मादा का उपतंत्र है और जो वायु जल की द्वारा यहाँ ग्रहण किया जा रहा है। और पांचवी विधि है का युग्मन। का युग्मन सोमाइटोगाइनी ध्यान दीजिएगा एस्कोमाइसिटी न्यू बेसिडियोमाइसिटी के सदस्यों में लैंगिक जनन स्पष्ट नहीं होता है। लैंगिक जनन स्पष्ट नहीं होता है तथा इसमें दो सामान्य कोशिकाओं सेल्स का आपस में संयोजन होता है। तो इस प्रकार से कितने विधियों के द्वारा जो है मतलब हमने पहले विधि तो आपको बता दिया कि चल संयुग्मन में ये ग्लैनोमेट्रिक कॉपुलेशन है, ये तीन प्रकार का होता है चल युग्मकों के चलने वाले युग्मकों के बीच संयोजन होता है और ये तीन प्रकार होता है आइसोगैमस एंड आइसोगैमस संयुग्मकी असंयुग्मकी और विसंयुग्मकी होता है। दूसरा है युग्मक घनीय संपर्क नेत्र का, यह युग्मक घनीय संपर्क
इसमें जनक के समय दो ही धाने एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। फलस्वरूप दोनों धान मतलब नर एवं मादा, जिसमें एक गुण धाने नर एवं धाने से नर एवं मादा गुण सीधे जुड़ता चला जाता है। एग्जाम्पल हमने शिष्ट होता है शिष्ट पक्ष होता है। दूसरा है जो है युग्मक धाने संयुग्मन जो है कपलेशन, इसमें जो है दो युग्मक धानियों के संपूर्ण भागों का जो ध्यान दिया मिल रही है, थोड़ा संपूर्ण भागों का संयोजन होता है हो भी रहा है। और चौथा जो है अचल कुमार युग्मक भी बोला जाता है। तो इसमें जो है एस्को मायस्थिति एवं बेसिथी और मायस्थिति के कुछ सदस्यों में जो है या कुछ कवकों में जनक के समान अनेक छोटी छोटी बीजाणु के समान रचनाएं बनती जिसे हम स्पर्मेशिया या उमर या जो बोलते हैं कहते हैं, जो बायोग्राज या कील के द्वारा मादा कवकतंत्र या मादा गराय सूत्र के द्वारा जो बोलते ग्रहण किए जाते हैं। और पांचवा जो है कार्युग्मन एस्को मायस्थिति वर्ग के सदस्यों में लैंगिक जनन जो होता है उसमें अस्पष्ट नहीं होता है, होता है तो उसमें दो कोशिकाओं ध्यान दिए दो कोशिकाएं हैं एक तंत्रिका कोशिका है, दो कोशिकाओं का आपस में जो होता है संयोजन होता है। तो छात्रों ऑनलाइन क्लास यहाँ हम समाप्त करते हैं, इसके आगे कल चर्चा करेंगे।